Hello students, I'm Ashok Kumar. We're going to teach you about some prepositions and their uses of a standard 9th. First preposition about, we see the correct usage of about in it. About, it express nearness of some kind, किसी चीज़ के नज़दीक को बताता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कंसर्निंग के सेंस में. कंसर्निंग का मतलब होता है के संबंध में, के बारे में. जैसे हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो, क्या तुम उसके विषय में जानते हो. ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज़, वह अपने ड्यूटीज़ के बारे में केयरलेस है. तो ये कंसर्निंग के संबंध में, के बारे में, के सेंस में यूज करते हैं. सेकंड जो इसका यूज है नियरनेस ऑफ प्लेस, ये नियरनेस ऑफ प्लेस को बताता है. नियरनेस ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि इर्द गिर्द, आस पास. एग्जाम्पल में हम देखेंगे ही इज़ वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन, वह टाउन के इर्द गिर्द, टाउन के आस पास वॉन्डरिंग कर रहा था. ही इज़ ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, वह जो है वर्ल्ड का ट्रेवलिंग कर चुका है. इसी तरह से नियरनेस ऑफ टाइम, इट इज़ अबाउट 10 o'clock. तो अबाउट ये नियरनेस बता रहा है 10 o'clock का. ही अराइव्ड एट अबाउट 7 o'clock. तो ये नियरनेस ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है. नेक्स्ट में हम देखते हैं नियरनेस ऑफ स्टेट, ये अवस्था को बताता है. द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, द शो इज अबाउट टू स्टार्ट. नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग देखेंगे अबव, इन अ हायर पोजिशन. फर्स्ट हायर देन मतलब से ऊपर. अ स्वॉर्ड वॉज हैंगिंग अबव हिज हेड, द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशन को यूज करेंगे और प्रीपोजिशन अंडरलाइन भी किया हुआ है. सेकेंड हम इसका देखेंगे बियॉन्ड द रीच ऑफ, या मोर देन मतलब किसी चीज से परे, बियॉन्ड द रीच ऑफ. जैसे ही इज अबव सस्पिशन, उस पर शक नहीं किया जा सकता, वो शक से परे. वी शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, हम लोग को ऑनर का ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए लाइफ से. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अक्रॉस. अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट. फर्स्ट में इसमें हम देखेंगे कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, हर हाउस इज अक्रॉस द रिवर, उसका घर रिवर के उस पार है, मतलब अपोजिट साइड में है. सेकेंड हम देखेंगे बी में जो है इसका फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक तरफ से दूसरे तरफ तक उसका जुड़ा होना. जैसे कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, कोई व्यक्ति जब रिवर पार करता है तो एक साइड से दूसरे साइड तक जाता है. देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. तो इस सेंस में अक्रॉस को यूज करेंगे. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर. आफ्टर जो है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है. ए में देखेंगे कि इसका लेटर देन शोइंग सीक्वेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस. जैसे ही केम आफ्टर 10 o'clock, आई विल एंटर आफ्टर यू. तो इस तरह से और भी प्रीपोजिशंस है. आफ्टर का इसका और भी जो यूसेज है वो इंडिकेटिंग मच रिपीटेशन. ये आफ्टर जो है रिपीटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है. जैसे ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट. शी में हम देखेंगे इन द स्टाइल ऑफ समबडी समथिंग, दिस इज अ पोएम आफ्टर शेले. तो ये शेले के स्टाइल में लिखा गया है. तो स्टाइल का मतलब होता है शैली. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अगेंस्ट. अपोजिशन ऑफ सम काइंड. फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इन अपोजिशन टू समबडी और समथिंग. जैसे आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ. That is against the law, ये law के खिलाफ है. B में हम देखेंगे इसका in contact with, he was leaning against a tree, मतलब पेड़ से सट करके कोई leaning किए हुए खड़ा है. C में हम देखेंगे in preparation for, मतलब की तैयारी में. There is an injection against the cholera, अब जिस तरह से cholera है उसके तैयारी में कोई injection तैयार किया गया है. डी में हम देखेंगे इन रिटर्न फॉर समथिंग, टिकट्स आर इशूड ओनली अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फुल फी. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अलोंग. इन द सेम लाइन विथ एनीथिंग,
किसी चीज के समानांतर। ए में हम देखेंगे फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, क्लोज टू और पैरेलल विद द लेंथ ऑफ समथिंग। द लाइन वेंट अलोंग द हाईवे, ये समानांतर लाइन जाती है हाईवे में। ही वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग देखेंगे अमंग एंड बिटवीन। अमंग का प्रयोग फॉर मोर देन टू के साथ होता है, दो से जब ज़्यादा होता है तो अमंग का प्रयोग होता है, और बिटवीन का प्रयोग फॉर टू होता है, दो के लिए होता है। द मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स, तो यहाँ दो था इसलिए बिटवीन का प्रयोग हो गया। द मनी वाज डिवाइडेड अमंग माई फोर सन्स, तो यहाँ चार की चर्चा है इसलिए अमंग का प्रयोग हो गया। इसमें एक नोट है जिसपे गौर करना है, बिटवीन कैन बी यूज्ड विथ मोर देन टू व्हेन देयर सम रेसिप्रोकल रिलेशन, जब रेसिप्रोकल रिलेशन को दर्शाता है तो वहाँ पे अमंग का प्रयोग नहीं करके बिटवीन का प्रयोग करते हैं, जैसे देयर नॉट मच स्पेस बिटवीन थ्री पॉइंट्स। इस तरह से नेक्स्ट प्रीपोजिशन है।